कैराना लोकसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है। भाजपा कार्यकर्ताओं से परिचय सम्मेलन में जीत के लिए मोदी व योगी विकास नीति को लेकर वह संगठित होकर चुनाव की तैयारी में जुट जाने का आह्वान किया। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और फूलपुर सीट पर हुए उपचुनाव के परिणाम को लेकर भाजपा हाईकमान कैराना में होने वाले उपचुनाव को लेकर गंभीर दिखाई पड़ रहा है। कैराना लोकसभा सीट पर सांसद बाबू हुकम सिंह की बीमारी के चलते निधन हो गया था। ऐसे में पिता की राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए बेटी मरगांका सिंह ने कैराना लोकसभा सीट से प्रत्याशी के रूप में मैदान में आने का निर्णय लिया है। मरगांका सिंह कैराना सीट पर भाजपा की जीत के लिए कार्यकर्ताओं की नबज टटोल कर उत्साह का सृजन करने में जुट गई हैं। कहल्ला में भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा प्रत्याशी के साथ उच्च पदाधिकारियों ने भाग लिया। सम्मेलन में कार्यकर्ताओं के परिचय के साथ बूथ स्तर पर मजबूत कमेटी का गठन कर लोकसभा चुनाव में जीत को निर्णायक बनाने के लिए जुट जाने का आह्वान किया। भाजपा प्रत्याशी मरगांका सिंह ने कहा कि स्वर्गीय सांसद हुकम सिंह के सपने को पूरा करने का मेरे द्वारा संकल्प लिया गया है, इसमें आप सभी के सहयोग आशीर्वाद की जरूरत है। कांगला से न्यूज 7 के लिए नासिर अली की रिपोर्ट। सभी पार्टी कार्यकर्ताओं की एक परिचय मीटिंग थी ताकि आगामी उपचुनाव को लेकर हम लोग अपनी रणनीति बना रहे थे। लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ता में कैसा माहौल है? पूरा जोश है। क्या आपको लगता है कि बाबू हुकम सिंह की विरासत है वो और आगे बढ़े? निश्चित रूप से सभी साथियों का उत्साह देखकर तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि वो पूरे उत्साह से इसमें भाग लेंगे। आपकी तरफ से चुनाव में किस तरीके से तैयारियां की गई? इसी के तहत हम लोग रणनीति बना रहे थे सब मिलकर।